बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ रियाज रशीद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब का चैनल रियाज रशीद डेली लाइफ। आज हमारे भाई आए हैं सब्सक्राइबर सलामपुरे से फिश का शिकार करने के लिए। एक ये भाई हैं, तीन वो हैं, ये चारों दोस्त इकट्ठे आए हैं। तो उनको पूछते हैं कुछ शिकार इन्होंने किया है या नहीं किया। ये वीडियो मेरी देख कर आए थे यहाँ पर, जो मैंने पीर वाले दिन अपलोड की थी मलियों के शिकार वाली। आज जुमेरात का दिन है तो वो वाली जो है वो देख कर आए थे। जा रहे हो भाई? ये काफ़ी देर से आए थे भाई, तो अभी ये वापस जा रहे हैं। शिकार इनको कोई भी नहीं लगा, इनकी किस्मत हमारी किस्मत हमारे साथ। ठीक है भाई, ये आए हैं भाई सलामपुरे से, तो फिर नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह। तीनों दोस्त थे, मैं समझा शायद ये भाई भी इनके साथ है, लेकिन ये नहीं था, ये तीनों भाई आए थे। तो हम फिर से आए हैं शिकार करने के लिए। वो इरफान भाई वो साइड पर जा रहे हैं, क्योंकि उन्होंने कल ही बताया था कि मैंने शिकार कल उधर से करना है। वो फरियाद भाई को कुछ बता रहे हैं रास्ते का। वो उनके साथ उस्ताद जी हैं, वो देखें ये दोनों इकट्ठे आते हैं। इधर बाइन लगाई हुई है पट्टियाँ आज, वो देखें वो निकाल रहा है, टूप के ऊपर बैठकर चेक कर रहा है कि कोई फिश लगी है या नहीं लगी। ये पूरे पानी में इस साइड पे नहीं, ये तकरीबन वहाँ से उस साइड पर पूरे पानी में उन्होंने पट्टियाँ लगाई हुई हैं। भाई वो सामने बैठ गए हैं, वो है उस्ताद जी, वो सामने बैठ गए हैं। देखते हैं उधर शिकार किस टाइप का है, अगर उधर शिकार लगेगा तो नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह हम भी उधर से शिकार करेंगे। आज भी हमारा प्रोग्राम उधर ही जाने का था, लेकिन आज हम काफ़ी ज़्यादा लेट हो गए थे और हमकी तबीयत जो वो ज़्यादा ख़राब थी, बुखार बहुत ज़्यादा था, तो उसको दवाई वगैरह लाने में और बुखार कम होने तक मैंने वेट किया। अब शुक्र अल्लाह का काफ़ी बेहतर था, तो मैं शिकार करने के लिए आ गया। अगर बुखार नहीं उतरता तो फिर मैंने आज शिकार करने नहीं आना था। तो लेट होने की वजह से हम इधर ही आ गए हैं, क्योंकि उधर जाते तो यहाँ से तकरीबन वो मोटरवे का जो पुल है वहाँ से हमने गुजर के उस साइड पर जाना था, वहाँ से ऊपर से होकर इधर आना था। 15-20 मिनट आधा घंटे का सफ़र जो ज़्यादा पड़ जाना था, तो हम हो गए थे लेट। ये हमारे भाई बैठे हैं इधर जो रोज़ाना आते हैं हमारी तरह। आज कोई नहीं, नहीं लगेगी इंशाल्लाह, कोई नहीं, काफ़ी टाइम पे आज। अस्सलाम वालेकुम। और चाचा लगा को दाना? नहीं कोई शायद नहीं। वो परले किनारे तो नहीं आ रहे, मैं शायद को दाना लगा हुए। चलो सारी पट्टियां उतार लिया ने, अद्धियां उतार लिया। चलो कोई नहीं, अल्लाह करे बाकी जो अद्धियां लगी होने दाने लगन गए इंशाल्लाह। कोई भी मली फिश, कोई भी किसी किस्म का शिकार भाई जो कर रहे हैं पट्टी में नहीं लगा, आधी पट्टियों जो है उतार ली हैं और आधी जो है वो लगी हुई हैं, तो वो अभी उतारेंगे तो फिर देखते हैं। मैं नहीं देखूंगा, वो खुद ही देखेंगे कुछ निकलता दाना या नहीं निकलता, क्योंकि वो उस साइड पे हैं, वो उस साइड पे, वो सामने जहाँ पर एक भाई बैठा है, पता नहीं कैमरे में नज़र आ रहा कि नहीं आ रहा, वो काफ़ी दूर है यहाँ से, आखिर में है, तो वहाँ पर पट्टियाँ जो हैं वो लगी हुई हैं अभी। ले जी, शाम हो चुकी है, फिश का शिकार आज भी नहीं हुआ, आज भी हम यहाँ से खाली आ जा रहे हैं जैसे रोज़ाना जाते हैं। पता नहीं क्या वजह है, हमको शिकार क्यों नहीं लगता, हमको नहीं आज किसी को भी लगा। कल तो फिर भी शाम को यहाँ पर एक मौलवी बैठा था, उसको शिकार लग गया था, फिर आप बता रहे उधर भी एक भाई को शिकार लगा था और हमको कोई नहीं लगा था, और आज भी वैसा ही हुआ है। आज हमें तो शिकार नहीं लगा और किसी को भी शिकार नहीं लगा। यहाँ पर पानी बहुत ज़्यादा डाउन हो गया, कम हो गया, जिस वजह से शिकार यहाँ से ख़त्म हो गया। ये आपको देखें, ये देखें पानी, ये कल जो ये मिट्टी नज़र आ रही है, ये कल नज़र नहीं आ रही थी, पानी इसके ऊपर था, आज पानी इसके नीचे चला गया। यहाँ से हिसाब लगाएं पानी कितना जो है वो डाउन हो चुका है, जिस वजह से शिकार यहाँ से बिल्कुल ना होने के बराबर रह गया है। बहुत ज़्यादा सिर्फ लग नहीं रहा, फरियाद भाई भी आ रहे हैं पीछे, इसमें भी बहुत ज़्यादा शिकार है, जिसमें पट्टी लगाई थी भाई ने, पट्टी वाला भाई भी सारी पट्टियाँ उतार कर चला गया अपनी, आधी पट्टियों उसने उतार ली थी पहले जब मैंने वीडियो बनाई थी, तो आधी पट्टी रह गई थी, तो मैं बैठा था वो सामने, पता नहीं किस टाइम बाकी पट्टियाँ उतार ली उसने अपनी, वो भी चला गया। और अब हम भी जा रहे हैं, तो मुर्गे जो हैं हमारे, जिनको कल एक को इंजेक्शन लगाया था, दो को हमने मेडिसिन दी थी, मुर्गा भी ठीक है, मुर्गी भी ठीक है, जो छोटी पट्टी थी काले रंग की उसको ज़रा प्रॉब्लम है, वो उसका बचना मुश्किल है, क्योंकि वो रानी खेत जो बीमारी होती है असील मुर्गों पर जो अटैक करती है, उसने अटैक बहुत ख़तरनाक किया उस पर,
उसका बचना मुश्किल है, बाकी जो दो दो है मुर्गा और मुर्गी, अल्लाह करे वो तो बच जाएंगे, उनकी पोजीशन अब ठीक है, बेहतर है। लेकिन जो छोटी पट्ठी है उसकी पोजीशन बहुत ख़राब थी, उसे चला भी नहीं जा रहा था, आंखें बंद करके बैठी हुई थी। उसको मैंने और फरियाद भाई ने खुद ही ज़ोर ज़बरदस्ती करके थोड़े से चावल खिलाए थे। मैं उसका मुँह खोलता था, फरियाद भाई थोड़े से चावल उसके मुँह में डालते थे, पके हुए उबले हुए चावल। उसके बाद उसको मेडिसिन दी। तो जब हम आए थे, अभी जाकर देखते हैं उसकी पोजीशन क्या है। मेरी अम्मी जान कह रही थी कि इसको ना ज़िबा कर ले, तो मैंने मना कर दिया। जैसा मैंने पहले भी एक वीडियो में बताया था कि हम अपना जो जानवर है उसको ज़िबा नहीं करते, दिल नहीं करता ज़िबा करने को, तरस आता उस पर। हालांकि खुद नहीं करना, ज़िबा किसी ने करना है, हम तो खुद करते ही नहीं हैं, लेकिन फिर भी हम नहीं करवाते ज़िबा। तो अभी देखते हैं उसकी पोजीशन क्या है, कल देखेंगे। अगर बचने की हालत में हुई तो ठीक है, नहीं तो फिर मजबूरन उसको ज़िबा कर लेंगे। और पहली दफ़ा ये काम होगा कि हम अपने किसी जानवर को ज़िबा करेंगे। वो सामने मोटरसाइकिल खड़ी है जहाँ पर कल खड़ी थी, ये वाली मेरी है। ये देखें रास्ता यहाँ से ऊपर जाने का। मगरब की अजान होना शुरू हो गई है, आवाज़ आप लोगों को आ रही होगी, हल्की हल्की आवाज़ जो है रिकॉर्ड हो रही होगी मगरब की अजान की। पहले रावी इस तरफ जाया करती थी, ये बन हुआ करता था, बन इस साल टूट गया, तो रावी ने अपना रुख इस तरफ कर लिया और इस तरफ का जो रावी है वो बिल्कुल खुश्क हो चुकी है। ये देखें, चले फिर अभी ले जी, अब हम चलते हैं घर को। और वीडियो आज फिश तो आई कोई नहीं है, लेकिन वीडियो तो करते हैं यहीं पे ख़त्म। अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स बॉक्स में बताएं आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी। इसी के साथ रिहाशी को दीजिए इजाज़त, दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।